बच्चे छोटे छोटे है उसे पानी लेके घर जा रहे हैं, सफा करने वाला कोई है ही नहीं, ना किसी सुनवाने रहा है ना पानी। हम लोग दो बजे रात तक जागी रहती पानी चक्कर में, दिन में जरा भी नहीं आती, बैठने का कोई टाइम नहीं, चार बजे भी आ जाएंगे क्या रात पानी के चक्कर में हम रात भर जगे रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, रात भर जगेंगे। अभी भी आंगन में देख लू बहुत सारा है, दो महीना हो गया कम्प्लेन कर करके थक गए, आते नहीं है नहीं आते, वो थोड़ा करके चला जाता है, हो गया। इतने में हम कम्प्लेन कहा था कि सफाई हमें चाहिए मगर कोई नहीं सुनता। आम आदमी पार्टी को ये सोचकर चुना गया निगम पार्षद कि भाई वो क्या है हमारी सुनेगी, हमारी बात को रखेगी, हमारे लिए पार्क का व्यवस्था करेगी, सुव्यवस्थित पार्क होंगे, सुव्यवस्थित सड़कें होंगी, नालियां साफ सफाई होंगी, लेकिन वो नहीं इस पे काम करने को तैयार है। राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, परेशान है लोग, आज तक उनको ना तो सिलेंडर मिले ना कुछ मिला। उन्होंने बोला जी हाँ जी बीजेपी के सांसद को जिता दो तो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लोग आ गए लालच में आ गए कि हाँ भाई हमें सिलेंडर मिल जाएगा, फ्री में सिलेंडर मिल रहा है। कोई सिलेंडर किसी को नहीं मिला, सिर्फ बातें होती है कहने की, वादे वो कर देते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। किस कोई भी सरकार को देख लो वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। ये तो है, कोई सुनते नहीं है हमारी शिकायत की आपने? शिकायत 6 बार कर दी हमने, तो पूरी भरी हुई है। नाली फुल है, जाम है, कचरा ज्यादा है इसमें। सफाई करने कोई आता है? कोई नहीं आता। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ नरेला के पॉकेट 11 में, जहाँ पर आप मेरे पीछे गंदगी देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी से यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। नालियाँ पूरी तरीके से भरी पड़ी हैं, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई करने नहीं आता है। यहाँ के जो पार्क हैं वहाँ पर ना किसी झूले की व्यवस्था है, ना किसी तरीके की बैठने की व्यवस्था है, और गंदगी वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गंदगी है कि बच्चे चाह कर भी वहाँ शाम के वक्त खेल नहीं सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनकी काफ़ी सारी शिकायतें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है, और उनकी मांग है कि यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। नालियाँ जो है वो पूरी ऊपर से भर के आ रही हैं, कई सारी नालियाँ तो यहाँ पर ऐसी भी हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। यहाँ जो सीवर है सीवर के ढक्कन इस तरीके से लगाए गए हैं जो कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई बच्चा या कोई भी जो पशु पक्षी है वो भी उसमें गिर सकते हैं, अटक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्थानीय लोग परेशान हैं। ये तो है, कोई सुनते नहीं है हमारी शिकायत की आपने? शिकायत 6 बार कर दी हमने, तो कभी तो ये कॉर्पोरेशन वाले कभी कहते चुप करा देते हैं, बताओ सुपरवाइजर साफ सफाई हो रही है वो है हरियाणा साइड के, हाँ वो नस दाब देते हैं हम चुप हो जाते हैं, हमें कोई सुनती नहीं है। हाँ नालियाँ तो पूरी भरी हुई है, नाली फुल है, जाम है, कचरा ज्यादा इसमें। सफाई करने कोई आता है? कोई नहीं आता, दस साल हो गए मुझे रहते रहते, उठाने वाली गाड़ी आती? गाड़ी भी नहीं आती, कोई नहीं आती, कुछ 6 महीने में आगे तो आगे नहीं, कोई नहीं आता। पानी सही आता है? पानी है ही नहीं यहाँ पे, पानी नहीं है ना, पानी ट्रक से वो गाड़ियों से मंगाते हैं 4 पॉकेट से, वो कच्चा पानी जमीन का पानी, पानी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, और उसी पानी से आप मैनेज करते हैं? हाँ 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 हाँ। लैट्रिन का आंगन में रहने की जगह नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं उसे पानी लेके घर जा रहे हैं, तो सफा करने वाला कोई है ही नहीं, ना किसी सुनवाने रहा है ना पानी। हम लोग 2 बजे रात तक जागी रहती पानी चक्कर में, दिन में जरा भी नहीं आती, नहीं अभी रात के 2 बजे तक पानी आती है, कोई टाइम नहीं, 4 बजे भी आ जाएंगे क्या रात पानी के चक्कर में हम रात भर जगे रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, रात भर जगेंगे, कोई आते नाले सफाई करके अपना चले जाते हैं, मगर अंदर वाले नाले कभी कल सफाई करके जाते हैं वैसे नहीं जाते। हम लोग आंगन में, कभी कल आंगन में लैट्रिन लगा हुआ, अभी भी आंगन में लैट्रिन बहुत सारा है, वीडियो बनाना है, हमारे गली में बहुत बह रहा है, इतना ही निकल रहा है, 2 महीना हो गया कंप्लेंट कर करके थक गए, आते नहीं है, नहीं आते, वो थोड़ा करके चला जाता है, हो गया। ऐसी यही हालत है, 2 महीने से मैं परेशानी हो रहा, सबको बीमार पड़ रहा है, इनकी जल्दी सफाई होगी कि नहीं होगी? सुनवाई कोई हमने शिकायत वैसे में हम कंप्लेन कहा था कि सफाई हमें चाहिए मगर कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनते ना, 2 महीने से हमें परेशानी हो रहा है। क्या क्या चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव आके क्या करेंगे जब हम लोग की सफाई नहीं सुनी नहीं दे? तो आप किसको वोट अभी देना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे? हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज में तो ये सारी मुसीबतों का झेलना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को ये सोचकर चुना गया निगम पार्षद कि भाई वो क्या है हमारी सुनेगी, हमारी बात को रखेगी, हमारे लिए पार्क का व्यवस्था करेगी, सुव्यवस्थित पार्क होंगे, सुव्यवस्थित सड़कें होंगी, नालियां साफ सफाई होंगी, लेकिन वो नहीं इस पे काम करने को तैयार है। सब जगह गेट लगा रखे हैं आम आदमी पार्टी ने, हमारे यहाँ पे गेट नहीं लगे हुए हैं,
और दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं आम आदमी पार्टी ने, और नहीं कैमरे लगे हैं लेकिन कैमरे वो आइडेंटिफाई करिए कि वो कहाँ लगे हैं, कहाँ लगे हैं जहाँ पे क्राइम हो रहा है, मतलब जहाँ पे लोग इलीगल काम कर रहे हैं उनके दरवाजे मायने में घट रही हैं, वहाँ पे नहीं हो रहा। इस गली में जहाँ पे कैमरे की जरूरत है वहाँ पे कैमरा नहीं, क्योंकि आए दिन रात यहाँ ठीक है यहाँ पे कैमरा नहीं है, जो आते गलत काम कर रहे हैं उनके दरवाजे पर लगा रखा है, उनकी सेफ्टी के लिए लगा रखा है, लेकिन आम जनता की सेफ्टी के लिए नहीं है। और अगर जरूरत पड़ जाए समय पर मांगने के लिए कि हमें क्या करते वो कैमरे की फुटेज दे दो, तो फुटेज भी नहीं मिलती है। तो ये हम किस कैसे कहें कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए काम अच्छा कर रही है। हाँ ये मानते हैं कि वो कैसे ये है कि बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, हम ये कह सकते हैं जो करा वो हम कह सकते हैं बस फ्री कर दी है। ऐसे ऐसे परिवार हैं, 30 परिवार को राशन मिल रहा है लेकिन 70 परिवार ऐसे हैं जिनको राशन मिल ही नहीं रहा ठीक है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, परेशान है लोग। जो पहले क्या थे 200 रुपए का 10 किलो आटा हुआ करता था, आज वो 450 का पहुंच गया। लोग जो फैक्ट्री में काम करने वाले वो आटा लेकर के आते खाने के लिए, लेकिन वो बनाना पड़ता, 2 टाइम खाना पड़ रहा है। अगर उनको राशन कार्ड बन जाए तो उनको वो राशन नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार उस पर भी संज्ञान नहीं ले रही। राशन कार्ड जो बनने चाहिए गरीबों के लिए वो बन ही नहीं रहे, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए। अभी आप कुछ दिन पहले का उदाहरण ले लीजिए, विकसित भारत का बीजेपी सरकार ने चलाया था उज्ज्वला योजना के तहत, बड़ा उन्होंने कैंप लगाए, हर जगह गए, हम भी औरतों को लेकर गए, हम भी लेकर गए महिलाओं को लेकर गए कि हाँ भाई गरीब परिवार इनके सिलेंडर मिल जाएंगे। जब उस समय तो उन्होंने दिखा दिया हाँ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आज तक जनवरी की 17 तारीख से लेकर के आज तक उनको ना तो सिलेंडर मिले ना कुछ मिला। उन्होंने बोला जी हाँ जी बीजेपी के सांसद को जिता दो तो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। लोग आ गए लालच में आ गए कि हाँ भी हमें सिलेंडर मिल जाएगा, फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, कोई सिलेंडर किसी को नहीं मिला। ऐसी बातें होती है कहने की, वादे वो कर देते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, कुछ भी नहीं सिर्फ जुमलेबाजी है। कि कोई भी सरकार को देख लो वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, जुमलेबाजी से कोई पीछे नहीं हट रहा। बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं पर वो ये नहीं सोच रहे कि उसका प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ रहा है। तो ये इस पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, कोई भी सरकार आए लेकिन वो संज्ञान ले कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात नहीं करते, अभी आतिशी ने कल परसों में निकाला कि न्यूनतम मजदूरी बढ़नी चाहिए, लेकिन आप सही मायने में फैक्ट्री में जाकर के देखो क्या 18,000 रुपये किसी मजदूर को मिलते हैं। 12 घंटे काम मजदूर कर रहा है, 12 घंटे काम करने के बाद वो 10,000 रुपये मुश्किल से 10,000 रुपये कमा कर लेकर आया, 10,000 में उसको बच्चे भी देखे, उनको पढ़ाना भी है, दवा दारू भी है, घर का राशन पानी भी, कपड़े लत्ते भी, तीज त्यौहार भी है। आप बताओ कि फैक्ट्री में जो इतना अतिक्रमण हो रहा है न्यूनतम मजदूरी को लेकर के, जो मजदूरों का हनन हो रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? क्या कभी वहाँ पर जाके चेकिंग होती है कि आप कितना दे रहे हो? कई फैक्ट्री में तो बच्चे काम कर रहे होते हैं, वो उस पर भी मतलब एक्शन नहीं लेते कि बच्चे काम कर रहे हैं। बाल मजदूरी भी वहाँ पर हो रही है, क्योंकि परिवार को जरूरत है आने की तो बच्चों को भेज रहे, लेकिन वहाँ पे उस पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अगर वो न्यूनतम मजदूरी ही दे दें मजदूरों को तो बच्चों से भी काम ना कराए। पढ़ने की बात करते हैं, सरकार कहती है हम पढ़ने के लिए पैसा भेज रहे हैं। अगर किसी आज की तारीख में मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ सिर्फ बैंक खाते की वजह से, बैंक खाता ना होने के कारण बड़े ये जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना पॉकेट 4 में, उसमें क्या कहते हैं बच्चों को एडमिशन नहीं लिया कि जब तक क्या कहते हैं आप बैंक खाता खुलवा कर नहीं लेकर आओगे तब तक हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। जबकि एमसीडी वालों ने उनकी लिस्ट वहाँ भेज दी कि इन बच्चों का एडमिशन करना है, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो कहते पहले बैंक खाता खुलवा के लाओ। अब मजदूर के पास उतना पैसा नहीं है कि वो एकदम से बैंक खाता खुलवा पाए, तो स्कूल में एडमिशन होने के बाद खुलवा दें, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक रही है, और ऐसी उम्र में जो बच्चों की 10-11 साल 11 से 15 साल की जो उम्र होती है ना, इसमें बच्चा अपने आप को ढालता है कि वो अच्छाई में चला जाए बुराई में चला जाए। अगर वो गलत संगत में चला गया तो वो नशेड़ी जुएड़ी और क्या कहते हैं गंजेड़ी फंजेड़ी ये सब बनेगा, चोर बनेगा। लेकिन अगर वो और वो अगर सही मायने में अगर शिक्षा की तरफ चला जाए, थोड़ा सा स्कूल वाले समर्थन कर दें कि हाँ ठीक है हम एडमिशन ले रहे हैं बच्चा स्कूल आएगा, तो कम से कम माता पिता को भी निर्भर रहता है कि मेरा बच्चा स्कूल में है। तो ये कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दे कि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में बिना बैंक खाते की भी एडमिशन ले लूँ ना, जब स्कूल में फ्री में कैंप लगाए जाएंगे तब बनवा देना बच्चों का बैंक खाता खुलवा देना, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपने आप से पल्ला झाड़ रहे हैं जी आप करवा के लाओ। आप बताओ कैसे कर सकते हैं? मोहम्मद मुमताज खान। हाँ जी, क्या दिक्कत है पानी को लेकर? पानी देखो पहले तो आता था, ये अभी 3-4 महीने 5 महीने से नहीं आ रहा है। आप लोग मैनेज कैसे करते पानी का काम? ये देखो अपना पानी जो बोरिंग है थोड़ा बहुत इससे अब कम आने लगा है, तो पानी पहले 2 टाइम आता था, 7 बजे आता 2 घंटा देता था फिर रात में, मगर अभी 4-5 महीने नहीं आ रहा,
रात में आता है कभी 2 बजे कभी 3 बजे कभी भी आ जाते। हाँ, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और फिर ये नाले का कितने दिन से ये गंदगी इतना जाम पड़ा हुआ है, कोई इसका ये भी नहीं आता, कोई सफाई नहीं। कभी आया तो 2 महीने 3 महीने में इनको बस आया, बस थोड़ा ये सेव कर दिया, फिर जाम ऐसे। हाँ जी, ये देख लो पूरा जाम पड़ा है। शिकायत क्या, सब आते बोलते हैं, कुछ कुछ सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं आता। ये रोड इतना बना हो, कच्चा रोड ऐसा हो रहा है 10 साल 15 साल से ऐसे ही हो रहा है। बारिश आता पूरा जाम हो जाता है ये। पानी भर जाता है। हाँ, दिक्कत बहुत दिक्कत है।